अरे मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। कोरोना का साइड इफेक्ट अब दिखने लगा है। यह सज्जन राम लखन जायसवाल हैं जो मुंबई में अपना काम करते थे और कोरोना में सब कुछ बंद हो गया तो किसी तरीके से अपने गांव पानीकत खुर्द पहुंचे। यहां पर प्रवासी मजदूरों, प्रवासी श्रमिकों को लेकर यूपी सरकार ढेर सारे वादे कर रही थी, लेकिन इन्होंने हेल्पलाइन से लेकर सब पर छान मारा, मदद कहीं नहीं मिली। देखिए साथी अरविंद की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अरविंद खलियारी से, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। आइए साथियों, देखते हैं कि कुछ मजदूर लोग हैं जो अपनी समस्या बताना चाहते हैं। आइए उनकी समस्या को समझते हैं, क्या उनकी समस्या है, क्या गुहार लगा रहे हैं योगी जी से। सर बोलिए, क्या समस्या है आपको, बताइए। समस्या यह है कि हम 2 महीना से आए हैं, ना हमारे पास लेखपाल आया, ना प्रधान आया, प्रवासी हैं। और हम शिकायत करते कि हम 50 बार कर चुके लखनऊ हेल्पलाइन, और वहाँ से बोलते हैं अब तुम आपका समस्या हल हो जाएगा। वहाँ से डीएम के यहाँ से आता है तो बोलता है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, कि हमारा काम है कि लेखपाल का काम है कि प्रधान का काम है। हाँ, प्रवासियों को बहुत कुछ मिल रहा है, हम लोग को कुछ नहीं, हमको तो कुछ मिला ही नहीं, चवन्नी भी नहीं मिला। इनका कहना है कि योगी जी के यहाँ गुहार लगाए, फोन उनकी है, कई बार कंप्लेन किए पर कि हेल्पलाइन पर और हेल्पलाइन में काम उम किए और फोन उन किए, इनका कुछ नहीं हुआ। और परेशान है, प्रवासी मजदूर है, इनको योगी जी द्वारा कोई पैसा रुपया कुछ नहीं मिला, ये लिए इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसा नहीं है कि योगी जी ने किसी के लिए ना किया हो, लेकिन राम लखन जायसवाल जैसे ऐसे कितने लोग हैं जो अभी भी मदद की आस में बैठे हुए हैं। और अब जब कोरोना से 3-4 महीने बीत रहे हैं मार को, तब इनका जीना, परिवार चलाना मुश्किल है। आप राम लखन जायसवाल के चेहरे का दर्द पढ़ सकते हैं। यह दर्द इस समय कोरोना से ज़्यादा इनको जिंदा रहने की जिल्लत महसूस करा रहा है।